हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, आज 26 जनवरी है और आज के बाद आपके पास 5 डेज है, 31। उसके बाद आपका 1 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा आपका दंगल। और दंगल ही वैसा ऐसा नहीं, टैलेंटेड वाला, 1 को 2 को 3 को 4 को, है ना? क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड हैं, आपको गैप की जरूरत नहीं, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो। क्योंकि सालों पर इतना क्लास करता है बिहार गवर्नमेंट, इतना क्लास करवाती है और आप लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, है ना? चलिए, हंसी आ रही है लेकिन चलो, जोक्स अपार्ट, है ना, इसको सीरियसली नहीं लेना है, अपने मेहनत करते रहना है। और मेरे पास जो भी 7 to 8 days रिजर्व थे उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अपना जो टारगेट रखा हूँ कि बच्चे 90% अबव मार्क्स इजिली सिक्योर कर लें, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। तो अभी मैं क्या लेके आया हूँ, 200 जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये 3 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका जो है कंप्लीट हो जाए और इसमें 35 क्वेश्चंस आपके आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 1 हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट लाएंगे, 70 के आसपास मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट दूंगा और 30 के आसपास आपका लॉन्ग दूंगा, है ना, शॉर्टकट डिस्कशन करूंगा। तो इतना अगर आप देख लिया वीडियो, है ना, ये कि 5-6 दिन मेरा चैनल पे आप बने रहिए, 90 प्लस का एकदम सिक्योर जो टारगेट लिए उसको हम कर देंगे ना। अपने दिमाग से कैसे नंबर ला सकते हैं और कितना कम पढ़ करके कितना ज्यादा नंबर आ सकता है, बिहार बोर्ड यार ला सकते हैं। ऐसे पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई मेहनत करना चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर नहीं किए हो तभी आप 5-6 दिन में ला सकते हो ना, ये मेरा दावा है, लेके आ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो है ना, चलो दंगल शुरू किया, लेट्स प्ले 90+ मार्क्स, है ना, चलिए ओके। तो ओके, शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका भाई पहला क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्वेश्चन है ना। चलिए तो देखते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, इसकी दो वैल्यू होती है, 8.85 × 10^-12। इसका अगर देखा था कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक यूनिट, इसी यूनिट के अकॉर्डिंग लिखते हैं क्या चीज, 8.85 × 10^-12 फराड पर मीटर, लिखते हैं ना। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट वाइज, यूनिट पे ध्यान देना है, है ना, यूनिट पे बिहार बोर्ड में यूनिट फॉर्मूला डायरेक्शन, है ना, ये सब पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज वैरीज विद, अरे डिस्टेंस के साथ, पता है ना, फोर्स डायरेक्टली किसको होता था, Q1 Q2 के, और इन्वर्सली किसके होता था, आर स्क्वायर के, तो 1/r² सिंपल सा, इजी है ना, लड्डू फूटा होगा मन में, लेकिन इजी क्वेश्चन ही गलती होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल तो बहुत इजी है, याद करिए P Q × 2L, तो Q क्या है चार्ज, तो कूलम हो गया, 2L क्या हो जाएगा बताओ, मीटर, तो कूलम मीटर, cm, अब इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्ट्रेंथ की चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L या DV/dr, V क्या है, पोटेंशियल, है ना, है कि नहीं, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बटे चार्ज इंटू में L, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और बटा में Q × L, LL काट लीजिए, फोर्स बटा क्यू, ये भी पढ़े हो ना कि नहीं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, हाँ सर पढ़े हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी तो पढ़े हैं सर, तो फोर्स को चार्ज से भागा दीजिए, तो फोर्स का तो आपको पता है, फोर्स का क्या होता है बताओ, F का होता है MLT-2 और चार्ज का क्या होता है A × T, तो ऊपर जा क्या हो जाएगा, MLT-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, तो MLT-3 और A-1, सी वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एस सर बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर, अरे यार देखो रेसिस्टिविटी है ना, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी है, वायर का प्रॉपर्टी है, और जो वायर का प्रॉपर्टी है तो इसको लेंथ वीट एरिया चेंज करने से कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका लेंथ को आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, रेजिस्टेंस चेंज होगा बट एरिया घटेगा, बट रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसमें रो ही रह जाएगा। करेंट फ्लो इन वायर इज 5 ओम हैविंग 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिनट्स, अब देखो 20 मिनट तक 7 वोल्ट से एनर्जी दे रहे हैं, किसका कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम में, हीट निकालना है, एच का फॉर्मूला बता दीजिए, सर एच का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं I² RT होता है, लेकिन जूल में निकलता है ना,
यहाँ पे कैलोरी में है, तो आई स्क्वायर की जगह पर कितना, आई बराबर कितना, तो सर ये तो नहीं पता मेरे को सर, ये तो लिख लीजिएगा वी स्क्वायर बट आर इंटू टी भी तो लिख सकते हो ना, आई स्क्वायर आपको वी स्क्वायर बट आर भी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर सात गुने सात बट्टा में आर, आर जगह कितना पांच इंटू टी कितना 20 मिनट है ना, तो 60 से गुना कर दीजिए, कलर नहीं पता चल रहा है ना, इसको 60 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए 20 इंटू 60, क्यों, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदल दिए, और ये नीचे 5 है 5 से काट दिए इसको, 5 चौक 20 है ना, अच्छा अच्छा 24 गुने 49 सत्तर 49 गुने 4 आया है ना, तो कहीं भी कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो आप देखो अब इसको तुम जूल है तो इसको बदलोगे क्या चीज में, कैलोरी में, तो 4.2 से भागा दोगे, तो इसको 4.2 से भागा दे दो तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × 4 × 60 / 4.2, अब 4.2 का ये दशमलव ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, आइए 7 से काट दिए 7 × 6 = 42, आइए 6 से ये 6 कट गया तो ऊपर 100 बचा, 7 × 6 = 28 × 100 कितना गया 28 × 100 तो 2800 कैलोरी आंसर हो जाएगा डी, 2800 कैलोरी आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है ना, जूल को बदलना है कैलोरी में। नेक्स्ट चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, देखो एमीटर का काम क्या है सर, एमीटर का काम है करंट मेजर करना, तो अगर आइडियल है तो उसमें चाहोगे क्या, क्या हुआ इसको, आइडियल एमीटर है ना, तो क्या चाहोगे बताओ सर, इसमें हम चाहेंगे क्या कि मेरा पूरा पूरा करंट मेजर हो जाए, तो अगर रेजिस्टेंस को इनफिनाइट कर दोगे तो करंट जाएगा ही नहीं, नहीं ना, नहीं ये तो होगा नहीं, अब कुछ रखोगे तो कुछ तो लॉस होगा, तो एक काम करो रेजिस्टेंस को जीरो कर दो, कोई लॉसेस नहीं, पूरा अच्छा से करंट मेजर, कोई एरर नहीं, तो जीरो होता है आइडियल एमीटर का। साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या है जी, साइक्लोट्रॉन किसको ये करता है, मतलब एक्सेलरेट करता है, बताए थे ना साइक्लोट्रॉन पढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाता, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है तो उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग से लेके बीटाट्रॉन लेके आएंगे, साइक्लोट्रॉन के बाद क्या होता है बीटाट्रॉन, इंजीनियरिंग में जाकर पढ़ोगे, तो यहां पे किसको, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है ना, याद कीजिएगा टेस्ला, टेस्ला टकला, अभी तो टेस्ला बहुत ज्यादा मार्केट में आया हुआ है ना, ओ एलन मस्क, तो बताओ किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का है ना, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड इन इट्स वेलोसिटी देन रेडियस ऑफ सर्किल, देखो किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव कर रहे हो किस में, ए मैग्नेटिक फील्ड में, बहुआ रे फोर्स लगता है ना हो, हाँ तो सर क्या होता है बताओ, एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर कितना क्यू वी भी होता है, वी से भी गया, एम वी इक्वल टू क्यू वी आर, वी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, वी किसके प्रोपोर्शनल, आर के, तो भैया अगर वेलोसिटी इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कर दीजिए। एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर बताइए, एंगल ऑफ डिप डेल्टा और फाई क्या होता है, यार ये कलर बड़ा दिक्कत कर रहा है तुम लोगों को, डेल्टा और फाई क्या होता बताओ, आए जीरो डिग्री होता है कहां पे, इक्वेटर पे, 90 डिग्री कहां होता है, पोल पे, याद कर लियो भैया, तो यहां पूछा इक्वेटर पे तो जीरो डिग्री, अगर पूछता पोल पे तो 90 डिग्री, समझ में आ गया, यस सर आ गया, चलिए आगे बढ़े, बढ़ो बढ़ो, काउज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज्ड कॉइल, भाई कहीं भी अगर ईएमएफ का इंडक्शन होगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स किसके कारण होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया, चेंज इन एंगल, तो यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होगा, सिंपल सी बात है, इंडक्शन का मतलब चेंज इन फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका तो आसान है ना, सेल्फ इंडक्शन एल 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 एल, तो बताइए तो याद कीजिए एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए थे हाफ एल आई स्क्वायर, यहां से आसान हो जाएगा ना, तो एल का देखो हाफ का तो होगा नहीं, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर ई बटे आई स्क्वायर, और ई एनर्जी है एम एल टू टी माइनस टू, और आई का ए का स्क्वायर, तो क्या जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू आ गया, दिखाई दे रहा है हम यहां पे हैं बैठे हुए नहीं, चलिए तो कौन सा हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, पावर फैक्टर कहीं भी आर बाई जेड याद कर लीजिएगा, पावर फैक्टर का एक ही फॉर्मूला है आर बाई जेड, आर बाई जेड, ठीक है ये आर है, ये एक्सएल है और ये एक्सी है,
अगर इसको देखा जाए तो यही हमारा जेड होता है, ठीक है, ये यही फाई है, तो सीधे सीधे बेस बटे हेप्टेनियस कॉस फाई, तो आर बाई जेड याद रखिएगा, पावर फैक्टर कॉस फाई, पावर फैक्टर कितना कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस में क्या आएगा आर, हाइपोटेनियस में क्या आएगा जेड आएगा, आएगा बिल्कुल। पावर फैक्टर कहां से कहां तक वेरी करता है, जीरो से वन तक, ऑब्वियसली फैक्टर कोई भी चीज का वेरी करेगा जीरो से वन तक, समझ में आया। ऐसे भी कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन से वन, लेकिन माइनस का भी फैक्टर होता नहीं है तो जीरो से वन ही होगा। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है जी, देखो प्राइमरी कॉल है तो एक सेकेंडरी कॉल होता है, दोनों में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, हो गया तो हो गया और क्या। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है सर, यस, ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो चलिए परपेंडिकुलर लिखते हैं, ये नोटिफिकेशन आ रहा है मेल पर, परपेंडिकुलर टू इच अदर। हु वाज द फर्स्ट टू गिव प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ईएम, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोस्टुलेट्स किसने किया था, मैक्सवेल्स ने, बट कौन डिमोन्स्ट्रेशन किया मैक्सवेल के थेसिस को, मैक्सवेल के थिंकिंग को डिमोन्स्ट्रेट लैब में कौन किया, हर्ट्ज ने किया था, तो हर्ट्ज ही था जो उसका डिमोन्स्ट्रेशन किया था। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर, ठीक, फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ओके, कंबाइन टूगेदर, कंबाइन कर दो दोनों को और दिया रिजल्टेंट पावर, पावर का फॉर्मूला 1/f, पावर का फॉर्मूला 1/f, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन बदकिस्मती से पहलाओं का जो है 75 है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और ये कॉन्वेक्टिव के लिए, तो 1/75 प्लस में होगा लेकिन 1/50 माइनस में होगा, तो 75 के लिए हम 150, तो ये 2 - 3 बराबर कितना आ गया, -1/150, ये सेंटीमीटर में है, अब सेंटीमीटर में है दिया, हम मीटर में उसको डायरेक्टर मीटर में होता है, 100 से गुना कर दीजिए, यस सर गुना कर दिए, तो 100/150 निगेटिव में 0.66 आएगा सर, माइनस में 0.66 आएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन, अरे पी बराबर, तो याद करिए मोमेंटम ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में, तो लैम्डा इक्वल टू याद है एच बाई पी, यस सर, तो पी बराबर एच बाय लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ना, तो वेवलेंथ निकालना है, सॉरी, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, सॉरी यही फॉर्मूला ही है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, सिंपल सा, मतलब मोमेंटम दिया हुआ है वेवलेंथ निकालना है, सॉरी मोमेंटम दिया हुआ है ना, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी, तो वेवलेंथ किसके होगा उसके केस में, वेवलेंथ बराबर एच बाई पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी आ जाइए, है ना, बेकरल रेज, तो क्यूरी मैडम का हो गया ये, क्यूरी मैडम ने दिया था भाई, क्यूरी मैडम क्यूरी आ गए, मैडम क्यूरी आंसर, हाई फाई मीन्स जानता है ये बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, इससे हाई क्वालिटी साउंड का फील्डिडिटी तैयार होता है, फील्ड तैयार होता है, तो इसको हाई फील्डिडिटी बोलते हैं, आप लोग क्या कहते हो, हाई फाइव, है ना। चलिए 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, अब 64 को है छोटा छोटा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे कितना है 64, सब मिल करके ये प्लस 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 सब मिलकर क्या बड़ा बोल गया, इसका रेडियस मान ले आर, इसका रेडियस मान ले कैपिटल आर, तो सबका वॉल्यूम तो सेम होगा ना, तो 64 × 4/3 पाई आर क्यू बराबर बड़का का 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम सेम कर दे, 4/3 पाई गया, तो ये कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया ना, कैपिटल आर बराबर कितना 64 × r³ के पावर 1/3, तो r के पावर 3 के 1/3 तो r बचेगा, और 64 का 4 × 4 × 4 हो जाएगा ना, 4 गुना हो गया ना, अब कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 5 में, c का फॉर्मूला क्या होता है 4πε₀r, यानी c किसके प्रोपोर्शनल, r के ना, तो कई गुना रेडियस बढ़ा 4 गुना, तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ा दो, कौन गया 5 था 20 कर दो, 20 आंसर, सीडीएस कितना जाएगा 4 × r, तो 4 × 5 बराबर 20 माइक्रोफराड आंसर। परमीएबिलिटी का डायमेंशन निकालना है, अब यार सोचो जरा, हमें डायमेंशन निकालना है परमीएबिलिटी का, अब देखिए ध्यान से, डोंट बी कंफ्यूज्ड बच्चा, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट,
परमियबिलिटी क्या चीज बताओ, परमियबिलिटी क्या चीज का वैल्यू है बताओ, तो परमियबिलिटी है आपका सर म्यू का, म्यू नोट जिसको बोलते हो। तो म्यू नोट का डायमेंशन हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या कर सकते हैं भाई म्यू नोट के लिए, कैसे लिख सकते हैं, तो एक काम करिए आप म्यू नोट की जगह पर फोर्स, फोर्स बराबर फॉर्मूला लिख दें, नहीं फोर्स का क्यों लिखते, बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। तो एक को खत्म हो गया, तो म्यू नोट का वैल्यू निकालना है, तो बी इंटू आर स्क्वायर बटा आई इंटू डी एल, सॉरी हाँ डी एल, तो ये आर स्क्वायर है आई डी एल है, दोनों लेंथ है ना, है कि नहीं है, तो ये लेंथ से लेंथ गया वो, तो ऊपर वो लेंथ बच गया, तो बी इंटू आई बी इंटू आर बटा में आई, यानी कि बी का हमें डायमेंशन निकालना है, आर का डायमेंशन निकालना है, और ये हो जाएगा। तो बी का कैसे लिखेंगे बताओ, तो फोर्स बराबर क्या होता है, कलर चेंज करना पड़ेगा यार, कलर चेंज करना पड़ेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी इंटू बी, तो बी का वैल्यू फोर्स बटा क्यू, फोर्स बटा क्यू भी, फोर्स बटा क्यू भी, यहाँ रखिए आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे को, हमें निकालना म्यू नोट, तो म्यू नोट के बी के जगह पर कितना, फोर्स बटा क्यू इंटू भी गुने में आर बटा आई, क्यू को क्या लिखते हैं आई टी, तो हो जाएगा फोर्स इंटू आर बटा भी इंटू आई टी इंटू आई, इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब बताओ मेरे को फोर्स का डायमेंशन लिखो, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, आर का एल, इसका एल टी माइनस वन वेलोसिटी का, इसका आई स्क्वायर इंटू टी, तो एक एल से एक एल गया, ए वाला टी से ए वाला टी गया, तो क्या बचा बताओ, एम एल ऊपर बचा और टी माइनस टू आई माइनस टू, एम एल टी माइनस टू एम एल, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, आई माइनस टू कने है भाई, कहाँ गया जी, इसमें तो है ही नहीं, सॉरी आई माइनस वन आई माइनस टू नहीं यहाँ पे है, आई माइनस टू होगा किसी में, ठीक है ना, वही कहाँ बना रहे, ये रहा ऊपर, सॉरी यार नीचे देख रहे हैं, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, बी वाला ऑप्शन सही है ना, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, है ना, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, इजी है। बीटा रेज इज डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रेज कहाँ डिफ्लेक्ट होता है बताओ, तो बीटा रेज मोशन में होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मोशन में, तो देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होगा, और अगर चार्ज मोशन में तो करंट फ्लो होगा, तो करंट किस में डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और उसमें तो बोथ हो जाएगा, बेस नहीं लिखा रही है, ये बोथ है, बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होगा बीटा रेज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो वहां पे करंट भी फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काटना है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब ये बच्चा है कंफ्यूज होता है, सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो सर फोर्स है, तो एम एल टी माइनस टू लिखिए, लेकिन नहीं, ये क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है ना। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज आपका है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बागन का फॉर्मूला बती सॉरी बागन बटे चार्ज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो बागन क्या है, एनर्जी बटे में चार्ज, तो एम एल टू टी माइनस टू की एनर्जी और चार्ज का ए टी, है ना, एम्पियर वाला टी, तो माइनस थ्री और ए माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यानी आई माइनस वन भी लिख सकते हो, डी एस का ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, एम्पियर आवर, एम्पियर करंट है बउआ, आवर टाइम है, करंट टू टाइम चार्ज होता है, तो चार्ज हो गया। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस और सबका यूनिट ओम होता है, तो ओम होगा इसका यूनिट, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए भाई। व्हेन एन एमिटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, अब भाई रेजिस्टेंस को तुम, एमिटर को तुम शंट कर दिया, है ना, अगर शंट कर दिया तो रेजिस्टेंस घट गया, घट गया ना, अगर रेजिस्टेंस घट गया तो करंट, करंट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, शंट में घट जाता है यार, शंटिंग में घटता है, सीरीज में बढ़ता है, शंटिंग पैरेलल होता है ना,
तो पैडल में रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है तो इंक्रीज कर देगा। हॉट वायर के आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा एसी का। N1 N2 नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रिप ऑफसेट, अच्छा टर्न नंबर ऑफ टर्न दिया हो ना, N2 स्टेप अप है ना, स्टेप अप में क्या होता है, दूसरा में ज्यादा पहला में कम, वोल्टेज बढ़ाना है तो दूसरा में ज्यादा N2 ज्यादा N1 कम, अगर स्टेप डाउन होता तो पहला में ज्यादा दूसरा में कम, तो N1 ज्यादा N2 कम, सिंपल सी बात है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I into A, I into A का मतलब कि I का मतलब एम्पियर, A का मतलब मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा आंसर। ओके सर, समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए सर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन, ऑप्टिकल फाइबर दो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, एक क्लैड, एक कोर और क्लैड होता है, कोर और क्लैड होता है ना, और इसमें कौन सा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ताकि एक भी सिग्नल लॉसेज नहीं हो, यानी देयर इज नो एटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड, अगर आपने किसी माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया, तो लंबा बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया ना, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज कर जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, अरे ई का फॉर्मूला बताओ, एच न्यू, और बताओ SC/λ, याद हो करो SC/λ लिख दो, ये तो इजी था ना। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, अच्छा मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसका हो, कहां गया यार ये, हाँ मैक्सिमम पेनेट्रेट कौन करेगा बताओ, ओह सॉरी कलर, मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसका होगा, गामा रेज का होगा, ठीक है, मैक्सिमम पेनेट्रेट कौन करेगा भाई, गामा रेज करेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। मेजोरिटी करेंट कैरियर इन पी टाइप, बताइए पी टाइप में कौन सा होता है, होल होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना, एन टाइप में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सा है, ये तो होता ही है। अच्छा यहां पे क्या है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज, एंड गेट गुना होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ए डॉट बी होगा वाई बराबर, और गेट का ए प्लस बी होगा वाई बराबर, ए प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हो आप, है ना, एंड गेट और गेट, सिंपल सा बात है। Which सीरीज comes in visible region? Okay, visible region में कौन सा सीरीज आता है जी, लेमन अल्ट्रावायलेट और बाल्मर विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड, तो बाल्मर सीरीज हो जाएगा। विच सीरीज डज नॉट कम्स इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कौन नहीं आएगा, तो भाई देखो लेमन तो आपका क्या चीज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, और बाल्मर क्या हो गया, विजिबल हो गया, बाकी सब क्या, ब्रैकेट फोन वून सब क्या है, सब आपका जो है, तो लेमन आपका है इसमें, लेमन कौन सा रेंज में है, अल्ट्रावायलेट रेंज में है, इंफ्रारेड में नहीं है। पीक वैल्यू ऑफ एसी 440 है ना, एसी का पीक वोल्टेज 440 है, तो इट्स वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल का मतलब आरएमएस, आरएमएस को वर्चुअल भी बोलते हैं, ठीक है ना, आरएमएस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल भी बोलते हैं, तो वी आरएमएस क्या हो जाएगा, वी नोट बटा रूट टू, तो पीक दिया हुआ है कितना 440, 440 बटा रूट टू, एक काम करो 440 को 220 गुना 2 लिख सकते हो, बटा रूट टू इसको काट दो, 220 रूट टू हो जाएगा आंसर, 220 रूट टू हो जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है। आगे चलिए, बाय कन्वेक्स लेंस म्यूजिकल टू 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी एक बाय कन्वेक्स लेंस है और हर एक का कर्वेचर का रेडियस दिया हुआ है, ओके ठीक है, और क्या निकालना है, पावर निकालना है, एक काम करो ना, फोकस पहले निकालो ना, 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है ना, है तो देखो कर्वेचर ऐसे है, तो एक का रेडियस है हमारा r, दूसरा का रेडियस भी r होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा ये, तो सीधे सीधे 1/f को पावर लिख सकते हैं, तो म्यू माइनस 1, पावर को कितना 100 से गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर में है, हाँ सर, तो म्यू कितना 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 0.5 हो गया, और गुने में 2 बटा में कितना 20 गुने 100 कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर में है,
इसको मीटर बदलने के लिए, तो 20 को 5 से गुना करिए, 5 हो गया, 5 दूनी 10, 0.5, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा आंसर, 5 डायोप्टर, यही हो जाएगा आंसर। वर्चुअल करंट अभी बोला था, आरएमएस करंट पीक बटे रूट टू, है ना, अभी बोला था ना पीक बटे रूट टू, ये बोला जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, तो बताइए मेरे को पी है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पी क्रॉस ई, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, सिंपल सा फॉर्मूला है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज दिया है, 3.2 × 10⁻¹⁰ - 3.2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 × 10⁻⁴। एक काम करो यार, पी का फॉर्मूला क्यू इंटू एल, तो लिख दो 3.2 × 10⁻¹⁹ गुने में एल की जगह पर 2.4 × 10⁻¹⁰ - 10, है ना, ये सॉरी ये तो आपका 10 होगा माइनस माइनस, है ना सब, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, 10 10 20, है ना, 19 है ये 19 होना चाहिए हमको लगता है, ये 19 ये भी 19, तो यहाँ पे 19 हो गया, और ये तो 19 10 29 हो गया माइनस में, तो माइनस 29 हो गया। अब 32 × 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 32 और 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 के आसपास आएगा, तो 7.86 × 10⁻²⁹ यही होना चाहिए, देख लीजिएगा खाली मल्टीप्लाई करके, मैं मल्टीप्लाई ही करता हूँ, 3.2 2.4, है ना, 24 × 48 और 24 × 72 768 7.68 × 10⁻¹⁹, देख लेना कैलकुलेट कर लेना खाली, वैल्यू इसमें देख लेना है आपको, है ना, तो आ जाएगा आपका सही सही, तो 7.68 × 10⁻²⁹, ये माइनस 10 नहीं है, माइनस 19 है, ये भी माइनस 19 है, और डिस्टेंस माइनस 10 है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, किसी जंक्शन पे टोटल सम ऑफ करेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो, ठीक है, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वी स्क्वायर बटे आर, आई स्क्वायर आर, ये सब वी आई कोई भी फॉर्मूला, इसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकालते थे जी, एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू वी इंटू बी होता है, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ बटा क्यू इंटू वी, एफ क्या एम एल टी माइनस टू, क्यू कितना ए इंटू टी, और वी कितना एल टी माइनस वन, एल से एल गया तो क्या देगा एम टी माइनस वन, या टी गया तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम कहाँ गया ये एल जीरो, ये ए ऑप्शन सही है, आई माइनस वन एम एल जीरो, एल है नहीं इसमें, और टी माइनस टू है, ये हो जाएगा ऑप्शन। एलआर सर्किट का इंपीडेंस बताइए, देखिए एलआर सर्किट है तो ओमेगा एल का स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, देखिए ये आर है आई ओमेगा एल है, तो इसका अगर ये निकालेंगे तो रूट अंडर इससे निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, वही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, तो देखिए ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर जाता है ना, तो वो तो लिया होने, तो क्या होता है बी और ई को पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो उसके परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं, तो क्रॉस तो पैरेलल टू बी क्रॉस ई, पैरेलल टू बी क्रॉस ई यही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स, अरे किसी का भी इंडेक्स है ना 0-1 के बीच में लाई करेगा एम्पलीट्यूड का मॉडुलेशन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, देखो चार्ज सरफेस है, अब चार्ज सरफेस कैसा होता है इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, और इक्विपोटेंशियल केस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी बताए थे 8.85 × 10⁻¹² फैराडे पर मीटर, अभी भी याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट है लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब, अब ग्लास स्लैब में जब जाएगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सुनिएगा फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगा
और भी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। अगर भी घटेगा तो लेमडा भी घटेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भी देखो घटेगा ना, ग्लास में घुसेगा, एयर से ग्लास में घुसेगा तो स्पीड घट जाएगा, स्पीड घटने से वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। तुमको पता होगा ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग 1.6 गुने 10 पर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 जूल बराबर, तो एनर्जी का ही है। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद, लेंज लॉ किस चीज को एसोसिएट करता था, एनर्जी को। लेंज लॉ है डायरेक्शन को बताता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन आएगा, ठीक है, लेंज लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, याद कर लीजिएगा ये, सॉरी यहां एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमेशा इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा। फिर से सुन लीजिए, इनलार्ज होगा यानी कि बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल इन्वर्टेड इसमें होगा। व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड, देखो कन्वर्जिंग है दोनों का फोकस पॉजिटिव होगा, तो भाई 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f प्लस 1/f कितना 2/f है ना, फोकस f by 2 हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो 1/f' 1/f' बराबर 2/f, तो f बराबर f/2, f/2 का नहीं, अरे यार गड़बड़ है, ये है f/2, r नहीं हो, f/2 होगा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, देखिए ट्रांसवर्स नेचर के कारण ही हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं, तो ट्रांसवर्स नेचर पोलराइजेशन को ही सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। कलर किसके कारण, कलर ऑफ फिल्म इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस के कारण कलर आपका, किसी थीन फिल्म का, थीन फिल्म पे जो इंटरफेरेंस है उसी कारण कलर आपका आता है। फाई इज द डिफरेंस, याद कीजिए पावर फैक्टर पढ़ा चुके हैं हम लोग, अभी भी आर बाई जेड पढ़ाए थे, 0 से 1 के बीच में लाई करता है कौन, कॉस फाई, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल का यूनिट हेनरी साहब थे, हेनरी हेनरी नाम हो जाएगा इसका, सिंपल सा है यार हेनरी। आगे बढ़ते हैं, है ना, हेनरी हो गया। वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन, देखो डायनमो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन, डायनमो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एन एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, होता है ना, देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां ओमेगा से कंपेयर करो तो ओमेगा जगह पर कितना है, 100 पाई है कि नहीं, देखो कंपेयर करके, टी है इधर, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 100 पाई आ गया। ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां से मिटाता हूं, ठीक है ना, देख लो यहां ध्यान से क्या है, देखो 100 पाई टी है ना, तो ओमेगा जगह पर 100 पाई है कि नहीं है, तो ओमेगा बराबर 100 पाई आ गया। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो आराम से बता सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा जी तो देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, एफ निकालना है, क्या देगा ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा कितना है, 100 पाई, अब बटा में 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, इसको काट दो, कितना आ गया 50, तो 50 आंसर हो गया, 50 है। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, तीनों फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, तीनों क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है जी, देखो ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, अगर यहां से कोई ले रे आ रहा है प्लेन पोलराइज, इधर जाएगा है ना, ये एंगल अगर पोलराइजेशन एंगल है पी है, आइए देखो प्लेन पोलराइज अगर लाइट है तो याद कीजिए टेंजेंट होता था, तो टैन पी बराबर क्या होता था, N2/N1 या μ2/μ1। तो मान लेगा इसका एयर है ये, और अगर इसका रिफ्लेक्ट म्यू है तो इसका 1 हो जाएगा, अब म्यू 2 कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे μ/1 इधर टैन पी, तो सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा, टैन पी बराबर μ/1 सी होता है, टेंजेंट होता है, टैन स्क्वायर का तो सवाल ही नहीं है, टैन स्क्वायर का तो कोई सवाल ही नहीं है, है ना। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर और मेटल, अगर मेटल है, देखिए मेटल अगर है तो टी अगर इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर है तो अगर टी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, घट जाएगा, इसलिए टेम्परेचर से भी हम आप करेंट फ्लो करवा सकते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है।
अच्छा ठीक है, रेशियो पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, पीक बटे आरएमएस है ना। देखिए क्या होता है, वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है क्या बताओ, वी नोट बटा रूट टू, यह है पीक, ये है आरएमएस, इधर कर दिए रूट टू किधर, तो क्या जाएगा, और रूट टू बराबर कितना आ जाएगा, वी नोट बटा वी आरएमएस, तो पीक बटा आरएमएस पूछ रहा है तो कितना आएगा, रूट टू आएगा, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, रूट टू आ जाएगा आंसर, रूट टू हो जाएगा आंसर, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रूट टू आंसर है ना, ये हो जाएगा पीक बटे आरएमएस। और अगर पूछता आरएमएस बटे पीक, अगर आरएमएस बटे पीक पूछता, आरएमएस बटा पीक पूछता तो कितना आता, वन बाई रूट टू आता, उल्टा। तो देख लीजिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई भी घुमा पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, कि वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है वी नोट बाई रूट टू, या आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नोट बाई रूट टू। तो कोई भी आप एसी का पैरामीटर ले सकते हो, या तो वोल्टेज या तो करंट, तो अगर पीक बटे आरएमएस है तो रूट टू, और अगर आरएमएस बटा पीक है तो वन बाई रूट टू, तो इसका आंसर रूट टू होगा। ठीक है, ये था हमारा पार्ट वन, अभी हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग मिलेंगे किस में, पार्ट टू में, तो पार्ट टू भी हम डिस्कस करेंगे है ना, फिर पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, और उस 200 में से आपके 35 आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए, क्या इंजॉय कीजिएगा बताइए, आप इंजॉय कीजिए ये क्या बोलते हैं 26 जनवरी है ना, जाइए झंडा उंडा घुमाइए, इधर फहराइए वगैरह, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।